नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन भी काफी हंगामा देखा गया। बीजेपी कांग्रेस को राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए बयान पर घेरती हुई नजर दिखी, तो वहीं सियासी पारा भी हाई हो गया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को अपने दिए गए बयान पर माफी मांगनी चाहिए और सदन में राहुल का विरोध भी खूब हो रहा है। वहीं सदन के बाहर भी राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी देखने को मिली है। तो संसद में जमकर बवाल देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस और भाजपा एक बार फिर से आमने सामने आती हुई नजर आई, जिसके बाद संसद के बाहर भी राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नेताओं को जेल में महीनों तक डालने का काम, मीडिया को बंद करने का काम ये कांग्रेस के समय हुआ है, और देश से बाहर जाकर आप देश को बदनाम करने का काम करते हो, भारत को दुनिया भर में बदनाम करने का काम करते हो। राहुल जी, आपको तुरंत वापस आकर सदन में, जहां देश से माफी मांगनी चाहिए, सांसदों से, संसद से माफी मांगनी चाहिए, वहीं पर देश की सीमा पर सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए, देश की महिलाओं से, मजदूरों से माफी मांगनी चाहिए, देश के उस गरीब मजदूर से जो अपनी खून पसीना बहाकर देश को सींचता है, आगे बढ़ाता है, जिसके चरण धोकर मोदी जी उनका सम्मान करते हैं, और दूसरी ओर दुनिया के देशों में जाकर भारत का अपमान करने में लगते हो। करप्शन एक आर्ट, या आर्ट से करप्शन कैसे हो, ये आर्ट भी कांग्रेस और गांधी परिवार से सीखनी चाहिए। ठाकुर ने भी ये बोला है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आज भी राहुल गांधी का विदेश में दिया गया बयान एक बार फिर से चर्चा का मुद्दा बना, और इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई, जिसके बाद प्रश्नकाल का समय है जो फिर से खत्म हो गया। देखिए मुस्कान, लगातार राहुल गांधी जो है वो विवादों में बने हुए हैं। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से वो अपने अमेरिका से लेकर लंदन तक जो है वहां जाके संबोधन दे रहे हैं, और लगातार ऐसी चीजें सामने निकल के आ रही हैं कि उनके संबोधन में कुछ ऐसे बयान दिए गए जो देश की संसद की मर्यादा के खिलाफ थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने ये कहा है देश के बाहर जाकर की जो स्पीकर है वो ऑफ कर दिए जाते थे, जो विपक्ष के नेता है बात को सदन में रखने नहीं दिया जाता था, इससे विपक्ष का अध्यक्ष की आवाज जो है वो दबाई जा रही है। ये इस प्रकार का एक लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र का हनन है जी। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि किस तरीके से प्रेस पर जो है वो नियंत्रण सरकार का हो गया है, सरकार लगातार ईडी और सीबीआई की अगर बात करें तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। आरएसएस को भी एक बड़ा आरोप, बड़ा बयान दिया, जिसके बाद लगातार देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी की राजनाथ सिंह को लेकर पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर ने सदन में राहुल गांधी को पूरे देश के पूरे सदन बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विवेक, जहां एक तरफ जो कांग्रेस है वो बीजेपी को घेर रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन प्रश्नकाल का समय तो जा रहा है ना, जिन पर चर्चा होनी चाहिए उन मुद्दों पर तो चर्चा नहीं हो पा रही है। जी अनुसार बिल्कुल है, इन सब वजह से जो है जो प्रश्नकाल रखा गया है ताकि माननीय मनोनीत सदस्य जो है वो प्रश्नकाल में अपनी बात रख सके, सत्ता पक्ष को सवाल पूछ सके, और सत्ता पक्ष है उन सवालों का जवाब दे के माननीय मनोनीत सदस्य को संतुष्ट कर सके। लेकिन इस खींचातानी में वो प्रश्नकाल के समय बार बार जा रहा है, कार्रवाई भी स्थगित हुई हमने देखा किस प्रकार से, और एक ही मुद्दे पर जो है वो चीजें आगे आ गई है। लगातार भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी पहले सदन में आके संसद से माफी मांगे, वही कांग्रेस जो है वो इस बात पे चुकी हुई है कि राहुल गांधी है कुछ भी गलत नहीं किया। वही कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आई देश सभी तब दूंगी नहीं हुई थी जब तकरीबन 1 साल तक किसान आंदोलन जो है देशव्यापी किसान आंदोलन इस देश में देखा है, और 750 से अधिक किसान इस आंदोलन में शहादत भी दे चुके हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे कांग्रेस सफलता से भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का जवाब देती हुई नजर आ रही है, और देखना भी होगा कि राहुल गांधी लगातार जो है भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की, प्रादेशिक यात्राएं शुरू की, लेकिन इसके बाद जो
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विवेक, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने जनता को साधने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जैसा कि आपने बताया, उसके बाद वो विदेश जाकर इस तरह के बयान देते हैं, तो आखिर जनता राहुल गांधी की किस बात पर भरोसा करे? देखिए, जनता से पहले तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल राहुल गांधी को ऊंचा करना होगा। मैंने आपको बताया कि 3 विधानसभा क्षेत्र थे, वहाँ पे उनको जाना था, चुनाव प्रचार करना था, लेकिन राहुल गांधी 3 विधानसभा क्षेत्रों में काफी कम गए हैं। इसके बाद वो अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, राष्ट्रीय में भाषण देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी इंटेलेक्चुअल जो इमेज है उसको बरकरार रखे और उसको ज्यादा हाइट देने के कोशिश में है। लेकिन अगर आप सीधा अनुमान लगा सकते हैं कि जो डीएफ का कार्यकर्ता होगा उनकी विदेशों में ही भाषण से मोटिवेट होगा या फिर जो रैलियों में वो भाषण देंगे, जो बातें करेंगे उससे मोटिवेट होंगे, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये समझना होगा कि इंटेलेक्चुअल जो सभी है उसको वो बरकरार रख सकते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ताओं का संबोधन है, जो कम्युनिकेशन है, लगातार ऐसी बातें आती गई है। कई बड़े नेताओं ने कहा है, साथ भी छोड़ा कि राहुल गांधी से कम्युनिकेशन किस प्रकार से नहीं हो पा रहा है, कार्यकर्ताओं से कम्युनिकेशन किस प्रकार से नहीं हो पा रहा है, तो तमाम ऐसी चीजें हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार का ही हमलावर है, राहुल गांधी के हमलावर है। तो अभी चुनाव है, जिस तरीके से चुनाव है, देखा जा सकता है कि कांग्रेस अभी भी मुख्य विपक्षी पार्टी है, और जिस तरीके से यानी कि विवेक ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो अभी भी अपने चुनावी मुद्दे की तलाश करती हुई नजर आ रही है, चुनावी जमीन को खोजती हुई नजर आ रही है। ये देखा जाए कि पिछले लगभग 10 सालों से वो सत्ता से बाहर है और कितनी बिल्कुल जो है सीटें कम हुई है कांग्रेस की, ये किसी से छुपी नहीं है। लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुमत से आई है और जीत की हद तक लगाने से तमाम तरह की चीजें, चाहे संगठन में बदलाव हो, चाहे फेरबदल हो, चाहे नई चीजें अपनानी हो, नए लोगों के साथ जोड़ना हो, भारतीय जनता पार्टी जो है अपने संगठन में विस्तार कर रही है। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो जिस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये तीनों जगह जो है नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, ये तीनों छोटे विधानसभाएं हैं, अगर यहाँ पे हम हारते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सोच है कांग्रेस के भाजपा को, सोच का भी एक अंतर बताता है कि किस तरीके से अगर विधानसभा चुनाव को निकालेंगे तो कभी चुनाव किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का सामना। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ जहां बीजेपी राहुल की माफी पर अड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत विपक्ष बीजेपी को अडानी के मुद्दे पर घेरता हुआ नजर आ रहा है। अडानी महाघोटाले पर विपक्षी दलों की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैंबर में हुई। संयुक्त विपक्ष की मांग है कि अडानी महाघोटाले की जांच के लिए जेपीसी बनाई जाए, और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा कि राहुल ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके चलते उन्हें माफी मांगनी पड़े। ये के मुद्दे उन्होंने लंदन में कहे जाकर के वहां पर, अब ये राहुल गांधी की पर्सनलिटी थी, जिस प्रकार से पूरे देश में वेलकम हुआ उनका यात्रा में, करीब 3,500 किलोमीटर यात्रा थी, श्रीनगर में लाल चौक में जाकर झंडा फैला दिया, उससे घबरा करके ये लोग राहुल गांधी को, पहले उन्होंने खूब सोशल मीडिया को काम लेके बदनाम किया, खोल खुल के इनकी राहुल गांधी वास्ते में क्या व्यक्तित्व रखता है, कैसे वो काम करते हैं। अब जब लंदन वो गए हैं और जिस प्रकार वहाँ लंदन में अपनी बात को रखा है, कैम्ब्रिज में भी और अन्य जगहों पर, उसे घबरा करके इन्होंने अभियान चला रखा है कि देश के साथ में उन्होंने जो कमेंट किए वो देश हित में नहीं है। मैं पूछना चाहूँगा कौन सा कमेंट उनका देश हित में नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस को जब इलेक्शन आ रही है दिसंबर में, तो कैसे लेकर जाना है, क्योंकि जो प्राणी हैं हम उनका अनुभव और उनकी जो कार्य करने की है उनको हम इस्तेमाल करेंगे और कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे। मैं अब भी आपके सामने कहता हूं कि मोदी राज खत्म करना होगा। अगर मोदी राज खत्म होगा तो जो अडानी और उनकी जो चल रहा वो खत्म। तो वहीं राजस्थान में राहुल के पक्ष में उठी इस आवाज का जवाब बीएमपी के मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान ने दी है। चौहान ने कहा कि राजनीति में जिंदा रहने के लिए ऐसे उलूल जलूल बयान अक्सर दिए जाते हैं, तो चलिए सुनाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान क्या कुछ कहा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, रहना विधानसभा में चाहिए,
लेकिन किसी ना किसी बहाने केवल हंगामा खड़ा करना अब कांग्रेस का मकसद रह गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो अदानी के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, तो क्या विपक्ष के पास अब कोई और मुद्दा नहीं बचा है? था और आज एक बार फिर हंगामों के बेट चढ़ गया। आपको बताया कि आज फिर से जो सत्ता पक्ष है यानी कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सभी सदस्य राहुल गांधी से माफी मांगने पे अड़े रहे। वहीं अगर बात की जाए तो आज सदन से कार्रवाई से पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज एक संयुक्त रूप से विपक्ष के साथ बैठक करते हैं जिसमें कैसे घेरा जाए और राहुल गांधी के बयानों को लेकर अपनी चर्चा करते हैं। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हंगामों का भेद चढ़ गया। वहीं अगर बात की जाए तो एक विचारधारा वाले दलों के साथ आज देश के प्रधानमंत्री, साथ ही साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बैठक की। और बात करें तो इस बैठक में साफ तौर से राहुल गांधी का जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में दिया गया भाषण है उसमें जो उन्होंने कहा है कि संसद में हमारी आवाजों को दबाया जाता है, हमारे माइक बंद किए जाते हैं, इस मामले को लेकर लगातार उनसे संसद के अंदर में सामूहिक माफी मांगने की बात पे अड़े हुए हैं। वहीं अगर नहीं है मुस्कान बात की जाए तो एक तरफ जहां से समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल एवं तमाम जो विपक्षी दल है संसद के अंदर में वो कांग्रेस के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन विभांशु जहां एक तरफ सभी विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि वो परेशान है कि जनता को रोजगार नहीं मिल रहा है, गरीबी है, यहां की जनता परेशान है, लेकिन जब प्रश्नकाल का समय होता है तो वो इन सभी नारेबाजी में सारी पार्टियां जो है वो खराब कर देती है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सदन की कार्रवाई को चलाया जाता है कि जो देश के अलग अलग कोने से सांसद आते हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र के समस्याओं को पटल पे रखकर उसका निदान पाए, मगर कहीं ना कहीं हंगामों के बीच आम जनमानस को जो समस्या है उसको प्रश्नकाल के दौरान रखने में कहीं ना कहीं जो पक्ष है और विपक्ष की सरकार है और वो कहीं ना कहीं विफल नजर आ रहे हैं। साफ तौर से हंगामे के ऐसे दूसरे दिन भी सदन की कार्रवाई व्यवधान बाधित रही। वही अगर मुस्कान बात की जाए तो राहुल गांधी के बयान को लेकर कांग्रेस के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी अपने बयानों में कुछ ऐसे संबोधन में नहीं कुछ ऐसा चीजों को रखे हैं जिससे देश की छवि और साथ ही साथ सदन की छवि खराब हो। जो वास्तविकता है उसे राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको रखे हैं और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इस संबोधन में साफ तौर से बदलाव की बात की करते हुए संबोधन किया गया था। देखने वाली बात यह होगी कि आज सदन के बजट सत्र का दूसरा फेज का दूसरा दिन था, आज फिर हंगामों से कहीं ना कहीं चर्चा नहीं हुई, प्रश्नकाल का समय नहीं हुआ। देखने वाली बात यह होगी कि आगे के दिनों में जो कार्रवाई होती है। विभांशु, अक्सर ये विपक्षी पार्टियां कहती है कि वो चाहती है प्रश्नकाल चले, लेकिन आज हमने देखा कि जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई जो सभी कांग्रेस के नेता है, जो सभी दिग्गज नेता है, वो सभी तख्तियां लेकर के प्रदर्शन करते हुए दिखे, तो आखिर किस तरह से कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो चाहती है प्रश्नकाल का समय चले, प्रश्नकाल चले? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज प्ले कार्ड लेकर विपक्षी दल लहराते हुए नजर आए। उसमें आमतौर पर देखा जाए तो बजट सत्र के दौरान जो अडानी मामले को लेकर लगातार जेसीपी की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका कहना है कि देश के अंदर में कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल और डीजल के मांगों को लेकर, रसोई गैस के मांगों को लेकर, साथ ही रोजमर्रा के जो उपयोग वाली चीजें हैं इन वस्तुओं की महंगाई को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है सरकार से। वही अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष राहुल गांधी से उन्हें सामूहिक तौर पर माफी मांगने के लिए आ हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रश्नकाल का फेज टू बजट का चल रहा है, इसमें आने वाले दिनों में किन वस्तुओं को रखा जाता है, सत्ता पक्ष उसका क्या जवाब देती है, विपक्ष की तरफ से किन मुद्दों को उठाया जाता है, मगर इस बार के बजट सत्र में अभी आपने बताया कि जो विपक्षी पार्टियां वो लगातार महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार पर सवाल खड़े करती है, सरकार को कटघरे में खड़ा करती है, लेकिन अब जब विपक्ष के पास मौका है तो वो अडानी और हिंडनबर्ग को ही आखिर मुद्दा क्यों बना रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जब बजट सत्र चला उस वक्त आपने देखा था कि राहुल गांधी ने एक अपने संबोधन में कहा था कि अडानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ता क्या कहलाता है,
उसके ठीक बाद आपने देखा कि वो एक प्ले कार्ड लेकर आते हैं, उसे दिखाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और देश के उद्योगपति गौतम अदानी एक फ्लाइट में बैठे रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी जहां भी विदेश यात्रा करते थे वहां अडानी कैसे पहुंच जाते थे, क्या अडानी को आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार का हाथ है। इन्हीं आरोपों के साथ लगातार बजट सत्र से कांग्रेस और विपक्षी दल हमलावर है। बात की जाए तो हिडन दल की रिपोर्ट आने के बाद कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियों के साथ वो जो पूंजीपतियों की लिस्ट थी उसमें वो शीर्ष पे गए थे, और इस मांग को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है कि गलत तरीके से जो सैलरी है उसको उपयोग करके अडानी अपने जो उद्योगपतियों की लिस्ट है जो देश के और साथ ही साथ विश्व के जो प्रमुख उद्योगपति है उसमें शीर्ष स्थान पे गए हैं। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें केंद्र सरकार का हाथ है। क्या लगता है कि ये जो अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का ये जो मुद्दा है ये सभी विपक्षी पार्टियां 2024 के चुनाव तक घसीट के लेके जाना चाहती हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अडानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों को लेकर लगातार जिस तरह से हमलावर है, इससे साफ है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा प्रमुखता के साथ विपक्ष उठाते हुए नजर आएगा। वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद एकजुट नजर आ रही है, और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है नेता वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कहीं ना कहीं ऊर्जावान नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन तमाम मुद्दों को जहां कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दल जो है वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं, 2024 में इसका क्या प्रभाव होता है वो लोकसभा चुनाव के बाद कहना साफ होगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिहार में इस वक्त हो रही सियासी हलचल की। जी हां, बिहार में ईडी और सीबीआई जब से लालू परिवार के खिलाफ जांच कर रही है तब से लालू परिवार का हर सदस्य बीजेपी के ऊपर जमकर आरोप लगा रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मजाकिया अंदाज में ईडी और सीबीआई की खिल्ली उड़ाई है। जी हां, उन्होंने ईडी और सीबीआई की तुलना बिल्ली तक से कर दी है। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। अभी खबर चलाएंगे, ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे, 10 दिन बाद मियाँ। इतने साल से हर बार हर 2-4 दिन बाद रेड मारते हैं उनको, मेरे यहाँ से मेरे पास से ठेंगा मिलता है। उठा पटक का दौर लगातार जारी है। एक तरफ जहां लैंड फॉर जॉब स्कैम में केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर लालू परिवार है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नीतीश कुमार पर राज्य सरकार के बिना परमिशन सीबीआई ईडी पर कार्रवाई पर रोक लगाने का लगातार कानून लाने का दबाव बना रही है। लेकिन इसी बीच आपको एक बार फिर से हम ये बयान सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। तो हम एक बार आपको फिर से तेजस्वी यादव का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है। अभी खबर चलाएंगे, ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे, 10 दिन बाद मियाँ। इतने साल से हर बार हर 2-4 दिन बाद रेड मारते हैं उनको, मेरे यहाँ से मेरे पास से ठेंगा मिलता है। वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मंजीत हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मंजीत, इस वक्त बिहार में सियासी उठापटक का दौर जारी है, तो वहीं तेजस्वी यादव की बौखलाहट भी साफ तौर पर उनके बयानों से देखी जा सकती है। जी जी, बिहार में लगातार और अन्य जगहों जैसे दिल्ली आवास पे भी तेजस्वी यादव का छापेमारी चल रही थी, और इसी दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा के कैंपस के मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सीबीआई और ईडी जो है कि बिल्ली की तरह काम कर रहे हैं, 10 दिन बाद वो बिल्ली की तरह म्याव म्याव करने लगेंगे, और उनको मिलता तो कुछ नहीं है, और इसी तरह का छापेमारी करते हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं तो सीबीआई और ईडी जो भी टीमें हैं उनको हम आमंत्रण करते हैं और आए हमारे घर को ही ऑफिस बना ले, लेकिन यहाँ तो मिलना कुछ है नहीं, और इस तरह का बीजेपी पे भी उन्होंने निशाना साधा। लगातार देखा जाए तो छापेमारी का दौर जारी, और अब तक क्या कुछ छापेमारी के दौरान बरामद किया गया है, कुछ मिला भी है या नहीं, अहम सवाल है। जी 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 जी, मैं आपको बता दूं कि ईडी ने 2 किलो सोना और कई करोड़ रुपए भी बरामद किया है, और
आपको पिछले समय में आपको जो दिल्ली में छापेमारी जो ईडी कर रही थी वहां से जिस आवास पे छापेमारी कर रही थी वो एक फ्रॉड कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड वो बंगला था जिसको राबड़ी देवी के नाम पे बाद में रजिस्टर कर दी गई है। और बात करें आपको बरामदी का तो रुपए और कई चांदी के सिक्के और जेवरात प्राप्त हुए। बिल्कुल धन्यवाद मंजीत इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से तेजस्वी यादव की बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिली और उन्होंने कहा कि खबरों में तो बहुत कुछ चलाया जाएगा कि सोना मिला गहना मिला, लेकिन बाद में 10 दिन बाद ही जो सभी पार्टियां हैं वो बिल्ली की तरह दुबक के बैठ जाएंगी। एक तरफ जहां समूचा विपक्ष बीजेपी पर लामबंद दिखाई दे रहा है तो वहीं यूपी बीजेपी को भी हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया। जी हां, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने टीचर्स की दोबारा लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट दोबारा बनाने का आदेश हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है। इस आदेश का मौजूदा समय में चयनित अभ्यर्थियों पर भी असर पड़ सकता है। तो हाईकोर्ट की तरफ से एक बेहद ही बड़ा झटका जो है वो लगा है इस वक्त की मौजूदा सरकार को। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सुहानी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुहानी, हाईकोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को एक बेहद ही बड़ा झटका लगा है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में, ऐसे में हाईकोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिए हैं सरकार को? मुस्कान, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ के सिंगल बेंच ओम प्रकाश शुक्ला ने 177 याचिकाओं को निरस्त करते हुए 5 जनवरी 2022 को 69,000 शिक्षकों की जो सूची थी अगर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। रिव्यू में कुछ 50% आरक्षण नीचे रहे और दिया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती जो नियुक्ति आरक्षित किया गया था उसमें अवैध काम किया गया है और जो शुक्ला ने जाहिर किया है जो इसमें शामिल होने आरक्षित स्टडी उम्मीदवारों के प्रत्यान स्पष्ट नहीं है और उसमें कई आरोप भी किया गया है तो उसको पूरी तरह से रिव्यू किया जाए और उसमें जो जो अपात तय किया जाए की उन्होंने साफ तौर से बताया की सूची में शामिल किया गया है। अच्छा सुहानी, एक अहम सवाल यहाँ पे ये है कि जो शिक्षक के पद पर तैनात हो चुके हैं जो इस वक्त बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, ऐसे में उन सभी शिक्षकों पर क्या कुछ असर पड़ेगा? क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है? क्या उन्हें अब उनकी नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है? इसके लिए हाईकोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिए हैं सरकार को? उनपे कोई कार्रवाई न किया जाए, उन्हें 2 साल से काम कर रहे हैं वो दोषी नहीं हो सकता है। तो जब तक ये सूची दोबारा न आ जाए, पूरा रिव्यू न हो जाए, उन्हें अपने काम से नहीं हटाना चाहिए और उनको लगातार अपने कार्य पर अपने ड्यूटी पर चयनित रहे और काम करते रहे। तो इस तरह से सरकार जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें साफ तौर पर आदेश दिया है और उन्हें ये कहा है कि फिर से रिव्यू किया जाए क्योंकि ये जो मामला था वो स्टार्टिंग से ही ये पूरी तरह से सुहारे। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि उस सूची का रिव्यू किया जाए, लेकिन अगर रिव्यू सूची में उन सभी शिक्षकों का नाम नहीं होता है जो इस वक्त अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो क्या उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा? जी, आपको बता दें कि इस पे सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि जब से हमें ये आदेश मिला है उसमें हम कार्रवाई कर उसमें हम देख रहे हैं, उसपे छानबीन कर रहे हैं और जो भी होगा हम उसे आगे बताएंगे। अभी तो सरकार का देखना है कि वो अपना अगला कदम क्या उठाती है, लेकिन साफ तौर पे जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उसको अब सरकार मानेगी, फिर से उसे रिव्यू करेगी क्योंकि पूरी तरह से इसके आरक्षण से नहीं हासिल है। और वही दूसरी तरफ जो शिक्षक है उनका ये भी कहना है कि हमारे लिए हो सकता है क्योंकि जो आरक्षण में जो धांधली हुआ है फिर से देखा जाए तो शिक्षक भी इसमें सहमति दे रहा है और उसमें आ रहे हैं। तो अब देखा जाए कि सरकार इस पे अपना अगला कदम क्या उठाती है और उसपे क्या कहना है क्योंकि पिछले 69,000 तो अभ्यर्थियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है, वो कितना खुश है इस फैसले से या क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए,
जी अगर इतना तो हम डबल बेंच पे जाके अपनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमें इस पे पूरी तरह से हमें इस पे फैसला सुनना है और इस पे जो पूरी तरह से धांधली हुआ है, क्योंकि 5 जून 2022 से जो सहायक भर्ती का जो किया गया था, तो उनका यही मानना है कि अभी तक 69,000 जो शिक्षक काम कर रहे हैं 2 साल से इस पर अपने कार्यरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनसे ये खुशी भी उनको मिल रहा है कि अब हमें इस पे जो है फैसला सुन सकते हैं और हमें इस पे कहीं ना कहीं उनको अच्छी ये खबर भी मिल सकती है, क्योंकि जो सरकार है अपना जो हाईकोर्ट है अपनी पूरी तरह से मजबूती बनाई हुई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि आरक्षण में बहुत ज्यादा धांधली हुआ है और इस पे सरकार को इस पे देखना चाहिए और इस पे फिर से रिव्यू करना चाहिए। अभी रिव्यू हमें 3 महीने के अंदर सौंपना है हाईकोर्ट के, साफ तौर पर इलाहाबाद ने अपना उनको दिया है जवाब मांगा है सरकार। बिल्कुल धन्यवाद सुहानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।